वैसे मानना पड़ेगा कि पंड्या स्टोर काफी लोकप्रिय हो रहा है और लोग इसके बारे में और बेहतर जानना चाहते हैं, तो बस ऑन पब्लिक डिमांड आज हम ले आए हैं पंड्या स्टोर की कहानी। और आज क्या हो रहा है भाई, हो ये रहा है कि धरा जो है ना, उनको चूना लगाना आसान काम नहीं है। हमारी ये जो लड़की है बहुत सियानी है और यही वजह है कि किसी को अपना फायदा उठाने देती नहीं। उसके 500 रुपए, 200 से 1 रुपया ज्यादा नहीं दूंगी। बोला ना 200 से 1 रुपया ऊपर का नहीं दूंगी तुझे। एक काम कर, नहीं चाहिए रख ले, रहने दो। इनके हाथ से मेरे लिए पैसे नहीं छूट। अब चूड़ी वाला आया है धरा के ससुराल में। रावी और रिशिता को रंग बिरंगी चूड़ियां पहनना है। देखो देखो, धरा ने अपनी पसंद की बूंदे खरीदे तो वहीं रावी ने अपनी पसंद की चूड़ियां। रिशिता ने भी कोशिश की कि उसे कुछ पसंद आ जाए। पूरे 500 रुपए का कड़ा पसंद किया है रिशिता ने। अब पैसे देने की बारी आई तो भाई पैसे तो धरा भाभी देंगी। अब धरा पैसे देगी लेकिन सामान भी तो उतने पैसे का होना चाहिए ना। ये कड़ा 500 रुपए का तो बिल्कुल भी नहीं है। इसके 500 रुपए, 200 से 1 रुपया ज्यादा नहीं दूंगी। 200 तो इसकी बनवाई नहीं होगी। बोला ना 200 से 1 रुपया ऊपर का नहीं दूंगी तुझे। एक काम कर, नहीं चाहिए रख ले अपने पास। चूड़ी वाले के साथ धरा का यू बार्गेनिंग करना भाई रिशिता को पसंद नहीं आया। वो तो वैसे भी उल्टी ही बातें करती है, धरा सीधा भी कहे तो उल्टा समझती है। और इस बार तो रावी ने भी रिशिता का साथ दिया। अब धरा, तुम तो अपनी जगह सही हो लेकिन वो क्या है ना, इस समय के साथ ये सब बदल जाता है। हर छोटी छोटी चीजों के लिए पैसे मांगने पड़ते हैं, ऐसा थोड़ी ना होता है। तो रिश्ता को भी ऐसा लग रहा है कि मुझे खुद के पैसे चाहिए, मेरे पास होने चाहिए। और धरा भाभी ने बोला कि चूड़ी नहीं खरीद सकती यार, 500 रुपए की तो चूड़ियां थी, तो दिलवा देना चाहिए था, है कि नहीं। 500 रुपए को लेकर इतना बड़ा बतंगड़ हो गया। अब ये बात आगे तक जाएगी और इसी बात को मुद्दा बनाकर अब रिशिता नौकरी करने की भी बात करेगी। वो नौकरी जिसे सासू माँ ने करने से मना कर दिया था, क्योंकि धरा माँ बनने वाली है और घर में उसका ख्याल रखने के लिए, घर का काम काज करने के लिए किसी न किसी को तो रहना पड़ेगा ना भाई। तो अभी ससुराल है, ससुराल में तो सुबह सुबह ऐसे भी नहीं कि यू नो मायके में ऐसे होता है कि उठ लो, टिफिन मिल जाता है हाथ में, लेके चले जाओ। पर ससुराल में तो ऐसा नहीं है, सारा काम करके निकलना पड़ेगा। अब रिशिता इस एंगल को कैसे देखती है, उसे कैसे सॉल्व करेगी, ये थोड़ा सा उसके लिए मुश्किल सा लगता है। मुंबई से रुजेला फर्नांडिस के साथ ABP न्यूज रिपोर्ट। ABP न्यूज आपको रखे आगे।